तो दोस्तों लेकर आया हूं आपके लिए एक नहीं दो किचन सेट, जिनमें से सबसे पहला आपको दिख रहा होगा भाई यहाँ पे लिखा हुआ है किचन सीरीज और बहुत सारे अप्लायंसेस वगैरह प्लस कैबिनेट भी हमको दिख रहे हैं इस किट के अंदर। और दूसरा किट यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, इसमें बड़े बड़े अप्लायंसेस हैं जो कि बैटरी से काम करते हैं। वन बाई वन दोनों की करेंगे अनबॉक्सिंग, तो मजा आने वाला है इस वीडियो में, बने रहिए इस वीडियो के साथ में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों इस वाले किचन सेट को ओपन करेंगे सिंपली यहाँ से कुछ इस तरह से। ओ भाई रुको एक मिनट, इसे कुछ ऐसे निकालना पड़ेगा नहीं तो सब जो है फैल जाएगा सामान, और कुछ कुछ तो फैल भी गया है शायद से। ओ क्या निकल रहा है, मतलब ये धूल वूल क्या इसके अंदर क्या था, मतलब भाई इससे क्या ही बात करूँ मैं। कुछ डिटेल्स यहाँ पे लिखी हुई थी भाई, क्या है कैपेसिटी गेमिंग भाई कुछ खास नहीं है। पीछे की तरफ आपको दिख रहा होगा सेम वही पिक्चर है, और प्राइस जो है भाई कितना लिखा है इस पर 2000 या 200। आपको कितना लगता है कमेंट बॉक्स में फिलहाल जरूर लिखना। वन बाय वन इसे हम देखेंगे ये क्या चीज है। ओके पहले मैं निकाल लेता हूँ सबको बाहर और फिर धीरे धीरे बात करेंगे दोस्तों। इसको फेंक देते हैं साइड में। दोस्तों मैंने ओपन कर लिया है, जल्दी से आपको भाई एक एक करके दिखा देता हूँ क्या क्या वो सामान है। तो सबसे पहले दोस्तों ये आपको दिख रहा होगा यहाँ पे भाई गैस स्टोव हमारा है, और ऊपर आपको दिख ही रहा होगा कुछ कुछ बर्तन वर्तन टांगने की जगह है। ऊपर ये कुछ अलमीरा जैसी चीज़ है, इसे एक बार खोल लेते हैं। ओ वाओ ये खुलती भी है, और अंदर देखिए यहाँ पे मतलब आपके सॉसेस वगैरह आ जाएंगे, नीचे आपकी गैस आई। इसे मैंने खोलने की बहुत कोशिश की दोस्तों, पर ये मुझे लग रहा है अटैच्ड है, पर इसके अंदर स्पेस है, मे बी खुल जाए बाद में, ये थोड़ा टाइट हो बट फिलहाल खुल नहीं रहा है। मुझसे पीछे ये कार्डबोर्ड लगा रखा है इस तरह से। तो ये था पहला हमारा किचन कैबिनेट, आप कह सकते हो मॉड्यूलर किचन, भाई मॉड्यूलर किचन है ये। तो इसको रख देते साइड में। दूसरा यहाँ पे देखते हैं भाई, इसका पार्ट है ये वाला, और यहाँ पे आप देख रहे होंगे यहाँ पे इन्होंने गैस का तो कुछ बना रखा है, बट ये कभी, अबे ये क्या है, गैस के नीचे वॉशिंग मशीन, कपड़े, मतलब गैस के नीचे होती है क्या भाई मुझे नहीं पता। ऊपर ये देखिए यहाँ पे ओवन की जगह भी है, और ये भी हमारा ओपन होता है, तो ये काफ़ी अच्छा है। इसके अंदर चिकन जो है भाई रोस्ट हो रहा है, हमारा ओवन इन्होंने दे दिया है, बट यार ये गैस के नीचे वॉशिंग मशीन ये थोड़ा पता नहीं। तो ये था दूसरा कैबिनेट। तीसरे कैबिनेट की अगर बात करें दोस्तों, तो ये हमारा कह सकते हो किचन सिंक है, और यहाँ पे कुछ बर्तन वगैरह रखे हुए जो इस टेप से लगे हुए निकल जाते हैं दोस्तों। ये दो चम्मच वगैरह, यहाँ पे सॉस का आइटम, ऊपर एक और अलमारी, ये एक बार खोल के देखता हूँ ये खुलती है क्या भाई। फिलहाल अभी मैं इसे तोड़ने के बिल्कुल मूड में नहीं हूँ, मे बी पर खुलती होगी शायद, जाम हो रखी है। नीचे वाली जो अलमीरा आपको दिख रहा होगा यहाँ पे, ओके यार ये क्या कर रहे हैं, मतलब किचन सिंक के नीचे उन्होंने अब जूते रखने वाला रैक बना दिया, मतलब जा क्या कुछ भी कर रहे हैं भाई लोग, बट किचन कैबिनेट ये काफ़ी सही लग रहा है। उसके बाद यहाँ पे हमको देखने को मिल जाता है एक हमारा प्यारा सा फ्रिज। ये उल्टा है कि सीधा है, कैसे वाला है, ओके ये इसे खोल दिया। ओके यहाँ पे हमारी ये आइस की ट्रे, बड़ी अजीब टाइप की ट्रे है, बड़ी सी इसको रख देते यहाँ पे। और ये क्या है, ओह यहाँ पे सब्जी रखने वाला जो हमारा बड़ा वाला ट्रे होता है वो भी यहाँ पे, और बीच में जो है ना दोस्तों और सामान आपका आ सकता है। तो ये फ्रिज ही है ना जैसा मुझे लग रहा है, कुछ और तो नहीं है ये भाई, मुझे फ्रिज लग रहा है। फिलहाल से रख देते हैं साइड में। और यहाँ पे एक और छोटा सा ओवन मिल जाता है हाथ वाला, तो ये भी काफ़ी क्यूट है, ये अलग से क्यों दिया है, एक तो उसके साथ में था ही भाई, दो दो ओवन। और ये क्या है, ये कुछ है भाई राइस कुकर, ओके ये राइस कुकर इस तरह से है। उसके बाद में ये पन्नी के अंदर कुछ सामान है, एक बार निकाल लेते हैं ऐसे, ओके ये निकल गया। तो यहाँ पे हमको मिल जाता है एक ये डोंगा, और दूसरा ये फ्राइंग पैन। ऐसे ही कुछ सामान और निकला था जो आपको मैं दिखा देता हूँ, ये एक और डोंगा निकला था, उसके बाद में ये एक छोटी सी एक कैटल निकली थी, और यहाँ पे एक फ्राइंग पैन हमें मिलता है। तो दोस्तों इतना सा ही आइटम था इसके अंदर, बेसिकली मैं कह सकता हूँ कि ये एक किचन कैबिनेट है जिसमें कुछ अप्लायंसेज इन्होंने लगा रखे हैं। मजे की बात यहाँ पे यही थी कि स्पेस हमें काफ़ी ज़्यादा मिल जाता है, कहीं भी हम अपने सामान को रख सकते हैं जब भी हम खेलते हैं इसके साथ में। तो यही था इसके अंदर, चलिए बढ़ते हैं अगले सेट की तरफ। तो दोस्तों ये हमारा किचन अप्लायंसेस का कह सकते हो भाई बहुत बड़ा सेट, काफ़ी लोगों ने इसको देखा होगा क्योंकि ये बहुत ज़्यादा पॉपुलर है, बट इसका डब्बा इन्होंने उल्टा क्यों लगा दिया मुझे ये नहीं समझ आ रहा है। तो ये पॉपुलर सेट है दोस्तों, मैं पहले भी ऐसा ही कुछ अनबॉक्स कर चुका हूँ, बट फिर से मैंने इसे लिया तो मुझे काफ़ी सही लगता है ये। इसे ओपन कर लेते हैं भाई, ज़्यादा डब्बे के बारे में बात नहीं करूँगा, आपको पता ही है इसके अंदर क्या क्या है, सामने दिख ही रहा है, सिंपली हम ओपन करेंगे। ये मैंने ओपन कर लिया, इसको रख दिया बाहर, ये इसकी पॉलिथीन ओपन हो चुकी है। अब वन बाय वन सिंपली हम देखेंगे कि इसके अंदर क्या है। दोस्तों मैं जल्दी से आपको नाम बताऊंगा इनके क्या क्या हैं, और उसके बाद जो है इस्तेमाल करके दिखाऊंगा। सबसे पहले जान लेते हैं भाई क्या क्या है। ये मुझे लग रहा है भाई हैंड ब्लेंडर है जो कि बटन दबाने से चलेगा, बैटरीज वगैरह बाद में आपको इंस्टॉल करके दिखाऊंगा। जल्दी जल्दी बता देता हूँ भाई, हैंड ब्लेंडर कह सकते हो, ये ब्लेंडर यहाँ पे लिखा हुआ है,
उसके बाद में ये है हमारी मिक्सी, इसमें भी बैटरीज लगने का जगह है क्या कहीं? मुझे लग नहीं रहा है कि इसमें बैटरीज रखने की जगह है। ये मिक्सी है कि डिस्पेंसर है भाई? कुछ कुछ मिक्सी, कुछ कुछ डिस्पेंसर, शायद से डिस्पेंसर ही लग रहा है क्योंकि मिक्सी ऊपर दिख रही थी मुझे। और ये है हमारा क्या है भाई? ये वाटर हीटर है क्या? ये हमारा वाटर हीटर दोस्तों, और इसमें कुछ कनेक्शन है बैटरी वैटरी का, तो नीचे बैटरीज लग जाएगी। बाद में आपको इसका फंक्शन दिखा दूंगा कि पानी कैसे गर्म होता है। उसके बाद में भाई ये है हमारा ओवन, और अंदर जो है ना भाई, ये अंदर सब ओवन में मतलब चिकन ही रोस्ट हो रहा है, जहाँ देखो चिकन रोस्ट हो रहा है भाई। इसको बंद कर देते हैं, और इसमें भी बैटरी का कनेक्शन है, तो बाद में आपको ये भी फंक्शन करता हुआ दिख जाएगा। उसके बाद में यहाँ पे हमको मिलता है भाई, ये क्या है? टोस्टर। ओके, टोस्टर टोस्टर टोस्टर, ये क्या गिर गया? ओह, टोस्ट बाहर आ गया इस बटन दबाते ही। इसमें बैटरी का कनेक्शन कहीं दिख नहीं रहा है, तो ये क्या चक्कर है इसका? मतलब ये ऐसे ही निकल जाएगा, कोई बैटरी का कनेक्शन नहीं है, तो इसको रख देते हैं साइड में टोस्टर को। और लास्ट में जो मैं मिक्सी आपको बोल रहा था, अलग हो गई मिक्सी भाई हमारी। ये है मिक्सी, ये अलग हो जाती है क्या? ओके, ऐसे लग जाती है और ये बटन से चलेगी। सेल है कि? ओह, सेल की जगह है, तो बाद में इसका भी इस्तेमाल हम देख लेंगे। फिलहाल जल्दी जल्दी मैंने आपको बता दिया भाई ये कितने आइटम थे अलग अलग। मिक्सी होगी, वाटर, यहाँ पे हमारा हीटर हो गया भाई, ये हमारा वाटर डिस्पेंसर ही है क्योंकि इसमें कोई बैटरी वैटरीज भी नहीं है। और ये है हमारा क्या बोलते हैं इसको भाई, जो भी है ब्रेड से निकलने वाला टोस्टर, और ये ब्लेंडर आप कह सकते हो, और ये है हमारा ओवन। जल्दी से डालते हैं सब में बैटरीज और करके दिखाते हैं आपको इनके फंक्शन। तो दोस्तों अब जो है मैंने इनमें बैटरीज जो है वो लगा दी है, अब इनका मज़ा लेंगे हम एक एक करके। तो ये जो हमारा ब्लेंडर है दोस्तों, इसमें क्या करते हैं, जैसे टमाटर वगैरह प्याज वगैरह इसमें डाल दिया, उनको ब्लेंड करना है, तो सिंपली यहाँ पे देखिए बटन दबाना है, और ये चलेगा नहीं क्या? चल जा। अरे ओह, हमारे ब्लेंडर की ब्लेड ही गिर गई यहाँ से भाई। ये वापस लग जाती है, एक्चुअली थोड़ी सी लूज़ है, ये मैंने लगा दी वापस। और वे यार क्या हो गया? ओके, थोड़ा सा ये इसे प्रॉब्लम है, बट ये फिलहाल हट। अबे यार ये देखिए, कुछ इस तरह से आप इसमें ऐसे ऐसे ब्लेंड कर सकते हो, तो आपका जो है सब कुछ ब्लेंड हो जाएगा। यहाँ पे लाइट भी जलती है, तो इसको रखते साइड में। उसके बाद में दोस्तों ये हमारा वाटर हीटर कह सकते हो, इसमें आप दूध वूध गर्म कर सकते हो, पानी गर्म कर सकते हो भैया, एग भी इसमें बॉयल हो जाते हैं कैसे। ओ भाई, ये बिल्कुल ऐसे बॉयल जैसी आवाज़ आ रही है। ये इसके अंदर जो है लाइट भी जल रही है, दिख रहा होगा आपको, बिल्कुल पानी बॉयल होने जैसी। और दूसरा ये ओवन है दोस्तों, ये कुछ इस तरह से लाइट जल रही है इसके अंदर। अरे तो ये था भैया ओवन का फंक्शन। इसमें तो कुछ था नहीं, इसकी ब्रेड कहाँ गया यार, खा गया क्या कोई निकाल के? इसमें बैटरी का कोई यूज़ नहीं था। और ये हमारा जूसर है जिसमें बैटरी का कोई इस्तेमाल नहीं था, सिर्फ बटन दबाना है, यहाँ से जूस निकलेगा, मतलब असली में नहीं निकलेगा, बट फिलहाल बटन बटन दब रहे हैं। और ऊपर से काफ़ी स्पेस है, अंदर आपको दिख रहा होगा जार हमको मिल जाता है। तो ओवरऑल बस यही थे इसके फंक्शन।